देखिए ऐसा था कि रात की घटना है, ये लगभग 8:15 साढ़े 8 के बीच की घटना है। हमें जानकारी नहीं थी कि कौन लोग आए, क्या हुआ। मैं अपने घर से निकल के एक प्रोग्राम में गया हुआ था, तो मुझे घर से खबर आती है कि घर के सामने गोली चली है और गोलियों चलने के बाद वहाँ हंगामा हो रहा है। तो मैंने उसे कहा आप 100 नंबर डायल करके पुलिस बुला लो, SHO साहब को फ़ोन कर दो। 100 नंबर डायल किया गया, लेकिन रात भर पुलिस नहीं आई। फोन जरूर आया एक दो, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल के देखी, उसमें साफ नजर आ रहा है एक आदमी आता है, पहले एक राउंड फायर करता है, फिर आगे चल के दूसरा राउंड फायर करता है, फिर वो आगे निकल जाता है, फिर वो बहस कर रहे हैं आपस में, फिर वो निकलता है, फिर वो लोड करता है, लेकिन थर्ड राउंड वो फायर नहीं करता, तब तो निकलता है बाहर। स्थिति ऐसी थी कि हमने, मेरी मजबूरी बनी कि मैं सुबह फोन किया मैंने SHO साहब को, लेकिन SHO साहब बहुत बढ़िया आदमी है, इमीडिएट फोन पे वो आ गए मेरे पास। लेकिन उससे पहले मैं एक ट्वीट कर चुका था CP साहब को, अपने LG के और अरविंद केजरीवाल जी को मैंने ट्वीट किया था, DCP को भी। मेरे को थोड़ी देर बाद DCP साहब का भी फोन आया कि रात को क्यों नहीं आई पुलिस। मैंने जी मुझे तो नहीं मालूम, कहते ठीक है मैंने नोट कर लिया। मेरा यही कहना था कि अगर 100 नंबर डायल करें और पुलिस ना आए एक MLA के घर पर, MLA के यहाँ दुर्घटना होने पर, और आम जनता के यहाँ क्या होगा, यह सोच का विषय है।